ट्रेडर्स, दिस इज योर फ्रेंड ट्रेडर सुशांत बैक विद न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ट्रेडर्स, ये वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इतना चौपी रहने के बावजूद भी मैंने एक अच्छा ग्रीन जोन में एंड अप कैसे किया, प्रॉफिट इतना अच्छा कैसे कमाया। आप इधर प्रॉफिट देख सकते हो, दिखा तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ आपने देखा कैसे, मतलब इसका जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ कि ये चौपी मार्केट में आप कैसे ट्रेड करें वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, आज पूरा जो ग्लोब था वो ही एक चौपी मार्केट था, मतलब पूरा इंडाइसेस जो भी पूरे ग्लोब के इंडाइसेस है, ग्लोब के मतलब मेनली एशियन के, और जो अमेरिकन जो मार्केट था वो तो पहले से ही क्लोज था, मतलब ग्रीन रेड जोन में क्लोज था, इसीलिए इफेक्ट आ रहा था। और गाइस, चाइना और इंडिया का बॉर्डर का इशू भी है, इसीलिए मार्केट को मतलब डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, एक चौपी मार्केट था। तो उसमें कैसे मैंने कमाया, तो गाइस मैं आपको, आज थर्सडे था, आज एक्सपायरी डे था, तो भी एक चौपी मार्केट था, इसीलिए मेरे को रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला था। बट एक लास्ट में एक मतलब मैजिक हुआ, जैसे ही चाइना का मार्केट बंद हुआ वैसे ही निफ्टी ने अपर ट्रेंड में जाना जो शुरू किया, वो तो 600 पॉइंट अप में क्लोज हुआ। ऐसा मतलब ऐसी बात थी, तो ऐसा मार्केट को मेरे को सिग्नल मिला था, मेरा इंडिकेशन ने भी, मतलब मेरा जो इंडिकेटर है आपको आपने देखा रहेगा प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी जैसा बाइंग के लिए ज्यादा वॉल्यूम आया वैसे ही मेरे को इंडिकेशन मिला। और गाइज, मेरे को तभी समझा कि अभी बाइंग के लिए बहुत जल्दी, और उसने एक लेवल भी तोड़ दिया रेजिस्टेंस वाला, जो मतलब उसको अपोज कर रहा था वो लेवल भी बैंक निफ्टी ने तोड़ा, तो वैसे मैंने ट्रेड लिया, वैसे जैसे तोड़ा वैसे ही ट्रेड ले लिया। और मेरे जो मैंने अभी टेलीग्राम पे आपको वीडियो दिखाऊंगा, जब मैं आपको मतलब चालू करूंगा एनालिसिस पार्ट, तभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा टेलीग्राम पे कि मैंने पहले ही अपलोड किया था कि इंडिकेटर ने मेरे इंडिकेशन दिया था पहले ही, जब भी वो कैंडल आए, जैसा फर्स्ट कैंडल आया वैसे ही मेरे इंडिकेटर ने इंडिकेशन दिया था। तो गाइस ऐसा था, बहुत ऊपर वो, तो वो नहीं तो मैं लेने वाला नहीं था आज थर्सडे के दिन बिकॉज ऑफ ये चॉपिंग मार्केट, बट एंड में उसने एक अच्छा मतलब अच्छा दिया। तो गाइस आपको डेली ट्रेड नहीं करना है, मतलब इफ 22 डेज है मंथ में, जो अपन ट्रेडिंग के 22 डेज है उसमें से आप 15 डे तो एक सक्सेसफुल ट्रेड करोगे तो भी आप प्रॉफिट जोन में एक महीने के एंड में रहोगे। तो गाइस ऐसा रहता है, आप डेली ट्रेड करने का ये सोच के मत मार्केट में जाओ, बट जो भी ट्रेड करोगे वो प्रॉफिटेबल करोगे ऐसा सोच के मार्केट में जाओ। तो गाइस अभी क्या करेंगे, अपन एनालिसिस के पार्ट पे स्क्रीन के लिए जाएं, स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और उधर समझेंगे। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर पहले ही अपलोड करके रखा था कि बाय करो या सेल करो, तो आप देख सकते हैं, आप उधर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। सो आपने वो साइड में मतलब मैंने पूरा डिटेल में क्लियर किया, अभी टाइम है कि अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है, इधर मैंने मेरा इंडिकेटर अप्लाई करके पहले से रखा है। गाइज आप देख सकते हैं अपना इंडिकेटर, मतलब गाइज इसने मेरे को आज के दिन बहुत हेल्प किया। मैं आपको फर्स्टली क्या करूंगा, टेलीग्राम पे मैंने जो भी अपलोड किया था कि अभी जस्ट ये इंडिकेटर, मेरा जो इंडिकेटर है उसने सेलिंग का मतलब बाइंग का सिग्नल दिया, वो साइड मैं आपको दिखा था फर्स्टली, मतलब आपका ट्रस्ट गेन हो जाए पूरे वीडियो के लिए। नहीं तो बहुत लोग बोलते कि रीपेंटिंग मतलब ये इंडिकेटर है कोई वर्क नहीं करता, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए आते, खुद तो लॉस में जाते हैं, कुछ प्रॉफिट नहीं कमाते और दूसरों को भी कमाने नहीं देते। जो फ्री में नॉलेज मिल रहा है, कम पैसे में मिल रहा है, तो इन लोगों को 30,000 रुपये भर के, 40,000 भर के ही वो नॉलेज गेन करना है। तो गाइज उसमें मैं कोई भी हेल्प नहीं कर सकता आपको, मतलब समझ रहे हैं मेरा बात क्या बोल रहा हूँ। तो डायरेक्टली अपना टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं गाइज, सब मैं पहला बंद कर देता हूँ। ये देख सकते हैं कि अपना ये है, तो गाइज इधर देख सकते हैं कि देख सो मैं इधर बोला कि यू कैन मतलब आप रीड कर सकते हो गाइज, यू कैन सी द स्मॉल ग्रीन लाइन कमिंग एंड ऑल्सो आई ड्रीव इम्पोर्टेंट रजिस्टर लाइन। मैं ऐसे ग्रुप में डाला था, 2:04 पर डाला था, और उसके बाद देख सकते हैं गाइज मैं नीचे जाता हूँ और इसके बाद में देख सकते हैं कि आफ्टर अपना इंडिकेटर ने इंडिकेशन दिया, मैं इधर लिखा है देखो गाइज, आफ्टर अपना इंडिकेटर ने इंडिकेशन दिया, अभी नीचे जाऊंगा, इंडिकेशन दिया 408 हाई, वो मतलब गाइज वो 100 के 90 के रेंज में डायरेक्ट 408 टच किया, देखो 442 इतना बड़ा। इसके बाद मैंने इधर लिखा भी गाइज, देख सकते हैं दिस इज द पावर, सॉरी बड़ा हो गया ये, सॉरी गाइस मिस्टेक हो गया, दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडर सुशांत टूल। तो गाइस मैं बड़ा ही नहीं कर रहा मेरे टूल के, बहुत सस्ता गाइस सिर्फ आपके लिए, मतलब गाइस मैं आपको पहले भी बताया है कि गाइस इसका जो मैं चार्जेस है वो मैं मतलब
मतलब किसके लिए चार्जेस ले रहा हूँ गाइस, आपको नॉलेज शेयर करने के लिए नहीं चार्जेस ले रहा हूँ, मैंने जो इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है अभी मैं वही टाइम पे समझो 10 स्टॉक के कोई प्राइस एक्शन पैटर्न कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ करते बैठता तो नेक्स्ट डे मेरे को प्रॉफिट हो जाता वही ट्रेड में, आपको समझ रहा है। बट गाइस मैंने वो नहीं करते हुए एक इंडिकेटर के ऊपर काम किया, उसको मॉडिफिकेशन किया, उसको ट्रायल एंड हिट मेटर में ट्राई किया, पेपर ट्रेड किया, मैंने खुद लॉस किया, उसके बाद मैं आपके सामने वो इंडिकेटर लाया, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया उसके लिए मैं आपके साथ थोड़ा सा चार्जेस कर रहा हूँ। और गाइज वो चार्जेस बहुत कम है, मतलब बहुत कम है गाइज, आप एफोर्डेबली मतलब कर सकते गाइज, मतलब क्या बोलो गाइज, आपको ये भी नहीं करना रहेगा और आप फ्री में मांगने आते रहोगे तो गाइज आप मतलब क्या ट्रेडिंग करते हो, क्या मतलब इनकम कमाना चाहते हो, क्या आपका एम है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो गाइज आप अभी ये देखो, मैं बोला देखो बट नाउ क्लोज, मतलब मैं बोला मेरा गाइज स्टार्टिंग से मेरा ओपिनियन था कि मार्केट एक चौपी है, आप ज़्यादा अभी मार्केट ने पंप दिया है ऊपर, बट गाइज जो मार्केट के सेंटिमेंट थे वो नेगेटिव साइड थे, चाइना इंडिया का बॉर्डर का इशू चल रहा है, ये कोरोना वायरस का इशू बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, तो मेरा एम ही था कि आप ज़्यादा टाइम तक उसको मतलब जो अपने ट्रेड लिया उसको होल्ड मत कीजिए बाइंग के साइड में, ये मेरे को डर मतलब बना ही रहता। अभी मैं भी जो भी बाइंग के साइड पर जाता हूँ तो गाइज मैं ट्रिलिंग बहुत करता रहता हूँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए बट मेरे को लॉस साइड नहीं जाने का, ये मेरा हर टाइम एम रहता है गाइज। तो गाइज मैं इधर हर टाइम बोलता बट नाउ क्लोज यू, मैं बोला कि क्लोज योर पोजीशन, और मैं मेरा हर टाइम मैटर मतलब कि आप बाइंग साइड जाते रहोगे तो ट्रिल करो क्योंकि नहीं तो एक ही कैंडल में बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट नीचे आएगा तो गाइज आपको स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा, और स्टॉप हिट होने से पहले अपने स्टॉप लॉस लगाया रहता तो होता, और इफ आपने नहीं लगाया रहता और ट्रिल नहीं किया होता तो पूरा लॉस एक ही कैंडल में निकल जा सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब आई एम होपिंग आपको पूरा क्लियर हो रहा है। तो गाइज अभी मैंने नीचे लिखा है, मैंने इधर बोला मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है। मैं बोला देखो गाइज मुथूट फाइनेंस एंड रिलायंस ने बहुत हेल्प किया निफ्टी को, गाइज निफ्टी नेगेटिव साइड न होते हुए स्टार्टिंग से लेके साइडवेज था बट एक पॉजिटिव वे में था, तो इसके लिए रीजन था मुथूट फाइनेंस एंड रिलायंस। गाइज मुथूट फाइनेंस ने 170 तक वो अप ट्रेंड में गया, क्या हुआ था क्या मालूम, आज मुथूट फाइनेंस में बहुत अच्छा न्यूज भी बाहर आ रहा था तो इसकी वजह से वो होल्डअप, उसने निफ्टी को होल्डअप करके रखा था ये अपना मुथूट फाइनेंस और रिलायंस ने। तो गाइज मैं लास्ट में बोला कि देखो मार्केट प्रोफाइल यूजिंग माय इंडिकेटर, मैंने गाइज ये कभी डाला था 4:12 के मतलब मार्केट क्लोज होने से बाद ही डाला क्योंकि मेरा मतलब सब हो गया था और मैं काम में बिजी हो गया, तो इसीलिए ये मतलब मैं एंड में डाला। तो गाइज इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता कि ये कैसे बाय किया, तो गाइज अभी ये पहला मैं ये ओपन करके दिखाता हूं आपको, ये मैं 20,600 का कॉल बाय किया था, वो भी आपको इंडिकेशन दे। देखो गाइज अभी निफ्टी उसके बाद 20,000 का कॉल के ऊपर बात करेंगे अपन। तो गाइज देख सकते हैं ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था, ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, और जैसे ही इंडिकेटर ने साइन दिया गाइज निफ्टी में भी सेम इंडिकेटर ने सेम टाइम पे मतलब जैसे ही उधर हाई वॉल्यूम दिखा वैसे ही निफ्टी ने भी इंडिकेशन देना स्टार्ट किया और बैंक निफ्टी ने करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइज ये देख सकते हैं इधर दे दिया, और गाइज ये जैसे टूट गया तो उसके बाद मतलब मेरे जो क्लाइंट्स लोग हैं उन लोग ने उधर प्रॉफिट ये मतलब बाय करना स्टार्ट कर दिया। और गाइज मैंने बोला कि ट्रिल करते जाओ ज्यादा टाइम तक रिस्क मत लो, अपना जो भी स्टॉप लॉस है उसको ट्रिल करो, मेरा हर टाइम यही मतलब बाइंग साइड डालो तो ट्रिल करो यही मेरा था। और गाइज ये देख सकते हैं एंड में उन लोग ने यही रेंज में जब ये मार्केट नीचे आया इधर से तो यही उधर ही उन लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अभी क्या करेंगे निफ्टी जब भी मैंने बाय किया वो एनालिसिस करेंगे। निफ्टी के इधर जाते हैं अपन, बैंक निफ्टी में सेम लाइन देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है गाइस आपको, इधर टच करके बार बार आ रहा था और पीछे जाएंगे तो भी आपको दिखेगा। मैं ये पहले ये जब भी ये करता हूं तो ऐसे होता है, तो ये देख सकते हैं इधर से ही पहले भी ये हुआ देख सकते हैं, इधर से अपने इंडिकेटर ने भी अपना सेल का सिग्नल दिया था तो, और ये देख सकते हैं इधर से मार्केट क्लोज हुआ तो नेक्स्ट डे बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था, तो मेरे को ये जो जोन था ये बहुत हाई पावर का रेजिस्टेंस जोन मेरे को दिख गया, मैंने उधर मार कर दिया और ये इंडिकेटर ने जैसा बाइंग का सिग्नल दिया वैसे मैंने अपने ग्रुप में टेलीग्राम में आपने देखा ही प्रीवियसली। तो गाइस जैसे ही ये टूट गया तो ये देख सकते हैं मैंने 600 का कॉल बाय किया, मतलब ये देख सकते हैं ये लेवल का ये कॉल मैंने बाय कर दिया इधर, और गाइस देख सकते हैं इधर अच्छा प्रॉफिट हो गया गाइस। तो इतना, और जब भी गाइस ये इधर नीचे आया यही रेंज में किधर तो मेरा ये मतलब इसका वैल्यू नीचे आया वैसे ही मैं ऑप्शन में ट्रिल करता जा रहा था, स्टॉप लॉस ट्रिल करता जा रहा था, बट गाइस जैसे ही ये हिट हो गया नीचे आ गया तो उधर हिट हो गया।
तो गाइज ऐसे एनालिसिस करता हूँ गाइज, कोई बड़ी बात नहीं, आपको ग्लो मार्केट भी एनालिसिस करना है तो गाइज ऐसे आप चौपी मार्केट में भी प्रॉफिट कर सकते हैं। आपने मैंने बहुत ही इजीली आपको समझा के मतलब बताया। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगा और ये आपको इंडिकेटर पसंद आया तो आप मेरे से बाय कर सकते हो गाइज। और मैं इसके साथ एक वीडियो सोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ जिसमें ये इंडिकेटर से ज़्यादा नॉलेज फ्री में दे रहा हूँ मैं गाइज। और गाइज ये सब 2-1.5 घंटे का जो ये वीडियो है आई गेस, तो वो प्राइवेट वाला वीडियो। तो गाइज इधर है क्या गाइज, हाँ देख सकते गाइज इधर मैंने वही ये बेसिक कोर्स मैंने लिखा है गाइज। देखो बेसिक कोर्स, ये वीडियो मैंने गूगल ड्राइव और ये लिंक आपको शेयर कर दूंगा और मेरे इधर से एक्सेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। तो गाइज उसका कॉस्ट मैंने बहुत ही कम रखा है, मतलब आप 2-3 आप क्या बोलो गाइज, आपको इतना नॉलेज कोई 20-30 हज़ार के नीचे देता नहीं। तो क्या बोलो गाइज, तो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए, आप अच्छा कम्युनिटी बनाएंगे और फ्री नॉलेज शेयर करने का जरिया बनेंगे। तो गाइज मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ट्रेडर दोस्तों के साथ ये वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। और अभी ये वीडियो इधर एंड करते हैं।